welcome back to my channel my name is ratika gupta and guys topic for today is section 14 of the hindu marriage act 1955 which says that no petition for divorce is to be presented within a year of solemnization of marriage guys this section is quite short and we'll be discussing it as always guys before we move on if you're new to my channel and if you have not subscribed it yet Please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach. Please like all my videos and do let me know in the comment section below. So guys, let's get started with section fourteen. Now guys, section fourteen two clauses, hai. clause one and two. First, we'll discuss clause one, which is a bit lengthy, hai and clause two is quite easy. Now, first, guys, the basic premise and the crux section fourteen, I'll explain to you in Hindi. It that any petition for dissolution of marriage यानी कि कोई भी पिटिशन फॉर डिवोर्स होगी बीट ऑन एनी ग्राउंड चाहे वो फॉल्ट थ्योरी के बेसिस पे हो चाहे वो इव रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी के बेसिस पे हो या फिर वो डिवोर्स पर म्यूचुअल कंसेंट हो कोई भी पिटिशन फॉर डिजॉल्यूशन ऑफ मैरिज दैट इज अ पिटिशन फॉर डिवोर्स प्रेजेंट नहीं की जाएगी कोर्ट में जब तक पार्टीज की शादी को एक साल नहीं हुआ यानी कि आपकी शादी को एक साल होना चाहिए और उसके बाद ही आप एलिजिबल हो टू प्रेजेंट अ फॉर ऑफ मैरिज मोर ओवर कोई भी कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है आपकी उस पिटिशन को एंटरटेन करने के लिए जो आपने अपनी शादी के एक साल पूरा होने से पहले ही फाइल कर दी है तो ये एक जनरल रूल होता है कि आपको कोई भी पिटिशन डिवोर्स के लिए प्रेजेंट नहीं करनी है

वो प्रोविजन ये बोलते हैं कि वैसे तो कोई कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है ठीक है टू टेक अप अ अपन फॉर डिवोर्स फॉर डिवॉर्स ऑफ मैरिज विद इन इफ सोलमेशन ऑफ मैरिज लेकिन गाइज बहुत बार ऐसा होगा कि कोर्ट के पास आए दिन अलग अलग केसेज आते हैं अगर कोई केस ऐसा है विच इज ऑफ एक्सेप्शनल हार्डशिप टू द दिटिशनर और एक्सेप्शनल डिप्रेविटी ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्डेंट तो इस ग्राउंड के बेसिस पे एक्सेप्शनल हार्डशिप टू द पेटिशनर एंड एक्सेप्शनल ऑन द द पार्ट ऑफ़ इस ग्राउंड के बेसिस पे एक पिटिशन को शादी के एक साल पूरा होने से पहले भी एंटरटेन कर लिया जाएगा तो दिस इज एन एक्सेप्शन लेकिन गाइज यहां पे शाल नहीं है, आपको इस प्रोविजो में एम ए वाई मे वर्ड देखने को मिलेगा इट मीन ये को ये कोई भी चीज ऑब्लिगेटरी नहीं है इट इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल ये डायरेक्टरी है इट मीन कम्प्लीटली कोर्ट की जूरिस्ट्रिक्शन है अगर कोर्ट को लगेगा लुकिंग इन टू द फैक्ट एंड सर्कमस ऑफ द केस दैट येस इट इज अ केस वन ऑफ एक्सेप्शनल हार्डशिप टू द और एक्सेप्शनल डिप्रेविट ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्डेंट तो कोर्ट इसको एंटरटेन करेगा और एक साल पूरा होने से पहले भी आपको क्या कर सकता है डिवोर्स की डिग्री पास करके आपकी मैरिज को डिजोल्व

के साथ जस्टिस हो, तो इट इज़ फॉर हर कि उसको यू नो डिवोर्स के पिटिशन उसकी एंटरटेन की जाए जबकि शादी को कुछ महीने हुए हैं और एक साल नहीं हुआ क्योंकि इट इज अ केस वन ऑफ एक्सेप्शनल हार्डशिप पेटिशनर। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जो चीज़ ऑर्डिनरी नहीं होती है, जो चीज़ होती, है, से होती है अगर कोई ऐसा केस है, तो उस की को, किया जाएगा, fact, को एक साल हुआ या नहीं हुआ अब ये ग्रहण आपको समझ आए क्रुआलिटी की मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक एक्साम्पल बताइए बहुत सारी इलास्ट्रेशन हो सकती है लेकिन फॉर एग्जाम्पल गाइज अगर क्रूअल टू हिज वाइफ तो डेली के बेसिस पे यू नो इट इज इंजूरियस नॉट ओनली टू हर यू टू हर

इज़ इंजूरियस टू हर उसकी इंटरेस्ट की बात वो नहीं है उसके साथ वो जस्टिस नहीं होगा सो बेटर टू टर्मिनेट इट बेटर कि उसको सुनो वो क्या बोल रही है एंड बेटर टू टू टर्मिनेट इट तो ये एक एक्सेप्शनल केस बन गया शी नॉट बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड विद क्योंकि वो जो काम कर रहा है हस्बैंड डेली बेसिस पे इट इज क्वाइट ग्रेव क्वाइट वेटी एंड कन्विंसिंग और कोर्ट कन्विंस हो जाएगा कि यहां पे इस गर्ल को इस वुमेन को डिवोर्स दे दिया जाए जबकि हमारा जनरल रूल कहता है कि शादी से एक साल पहले डिवोर्स की प्रोसीडिंग ऑन एनी ग्राउंड एंटरटेन नहीं

एक्सेप्शनल डिप्रेविटी ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्डेंटेंटेंटेंटेंट अब कैसे यूज करिए एक्सेप्शनल हार्डशिप टू दिटिशनर एंड एक्सेप्शन डिप्रेविटी ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्डेंट ये कोइट इंटर रिलेटेड है अगर रिस्पॉन्डेंट यानी कि हसबेंड इन दिस केस मैंने आपको एग्जाम्पल दी अगर हसबेंड इज यू नो बिंग एक्सेप्शनली डिप्राइव्ड यू नो यानी कि वेरी इनह्यूमेन एंड इमोरल तरीके से वो एक्ट करता है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि इट विल बी एक्सेप्शनल हार्डशिप टू द पेटिशनर वो गर्ल के लिए हार्डशिप है तो इन वर्ड्स को इस तरीके से यूज किया गया है कि अगर कोई ऐसा ग्राउंड अवेलेबल है विच इज केस वन ऑफ एक्सेप्शनल हार्डशिप फॉर द पिटिशनर एंड एक्सेप्शनल डिप्रिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट रिस्पोंडेंट मीन हजबेंड के पार्ट पर यह गलत बात है कि वो इस तरीके से इनह्यूमेन तरीके से या इमोरल तरीके से करप्टली एंड रूटली अपनी वाइफ के साथ ट्रीट करे और अगर वो ऐसा करता है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि वो एक्सेप्शनल हार्डशिप होगी पिटिशनर के लिए और अदरवाइज ऐसा कोई भी एक्सेप्शनल केस बनता है देन कोर्ट उस जनरल रूल के अगेंस्ट जाएगा और प्रोविजो को यूज़ करते हुए डिवॉर्स की डिक्री पास करेगा इवन बिफोर यू नो एक्सपायरी ऑफ वन ईयर सिंस दॉलमोनाइजेशन ऑफ मैरिज आई होप आपको ये समझ आ गया लेकिन गाइज एक और चीज़ हमारे प्रोविजो में ऐड की गई है प्रोविजो में ये भी लिखा गया है कि अगर कोर्ट को लगा किसी भी टाइम अब सपोज कोर्ट ने आपको अलाउ कर दिया इसको हम बोलते हैं लीव हैज बीन ग्रांटेड लीव हैजीन ग्रांटेड का मतलब है कि जनरल रूल से हट आपको एक्सेप्शन में आपके केस को एक्सेप्शन केस में डाल दिया गया है और अब आपको लीव ग्रांट कर दी गई है कि आप क्या कर सकते हो एक साल पहले एक साल एक्सपायर होने से पहले अपने मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हो लेकिन गाइज अगर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग अगर कोर्ट को ऐसा लगता है और आफ्टर द डिग्री हैज बीन ग्रांटेड दोनों चीजें हैं या तो प्रोसीडिंग्स के दौरान या फिर जब डिग्री कोर्ट के पास हो जाएगी अगर कोर्ट को किसी भी टाइम आफ्टर हियरिंग द पार्टीज कोर्ट को ऐसा पता लगा कि पिटिशनर ने क्या किया है या तो हमें मिसरिप्रजेंट किया है या कोर्ट से कोई भी चीज़ एक्टिवली कंसील करी है एक्टिव कंसीलमेंट इज नथिंग बट एन एलिमेंट ऑफ फ्रॉड

पिटिशन आपने अलाउ करी थी बिफोर दी एक्सपायरी ऑफ वन ईयर ऑफ मैरिज उस को कोर्ट क्या करेगा या तो डिसमिस कर देगा अगर प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी तो कोर्ट उसको एंटरटेन ही नहीं करेगा और उसका जो एक्सेप्शनल केस बना भी था उसको डिसमिस कर देगा और खत्म कर देगा लेकिन वाइज वॉट इफ अगर डिग्री पास हो जाएगी डिग्री अगर ग्रांट कर दी है तो वहां पर कोर्ट क्या करेगा कि आपकी जो डिग्री हमने आज आपको यू you नो know, पास करी है दैट शेड है

और कहा कि आपको डिवोर्स मिल जाएगा लेकिन बाद में अगर हस्बैंड को पता लगता है कि वाइफ ने हमें मिस रिप्रेजेंट किया उस लेडी ने क्रुआलिटी के केस में मिस रिप्रेजेंट किया या एक्टिव कंसीलमेंट करी इट मीन्स शायद से उसकी खुद की भी गलती थी शी वॉज हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर हर हसबैंड क्रुआलिटी तो अगर ऐसा कुछ कोर्ट को लगता है कि वाइफ ने हमें मिस रिप्रेजेंट किया है या किसी भी इंपॉर्टेंट मटीरियल फैक्ट एंड सर्कमस को हमसे हाइड किया है यानी कि फ्रॉड प्रैक्टिस किया है तो कोर्ट क्या कहेगा कि ऑल दो हमने दिक्री आपकी फेवर में सुना दी है कि आपको डिवोर्स मिलेगा लेकिन उसका इफेक्ट अभी से नहीं होगा उसका इफेक्ट कब से होगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वन ईयर सिंस द डेट ऑफ सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज इट मीन्स जनरल रूल में जैसे आप करते उसी तरीके से बात करोगे अब आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जैसे आप जनरल रूल में एक साल बाद फाइल करते पिटिशन उसी तरीके से यहाँ पर भी हम ये मान लेंगे कि आपने पिटिशन एक साल बाद फाइल करी थी और उस डिग्री का इफेक्ट एक साल बाद ही होगा यानी कि अगर उसने फोर मंथ्स के बाद उसको डिवोर्स मिला तो कोर्ट कहेगा अभी रिमेनिंग जितने मंथ्स बचे हैं उतने मंथ्स आप वेट करोगे यानी कि एट मंथ्स वेट करो और एट मंथ्स के बाद आपकी इस degree की डिग्री को इफेक्ट दिया जाएगा सो so, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है मोर ओवर गाइज अगर कोर्ट एक इंसान की पिटिशनर के पिटिशन को डिसमिस करता है क्यों करेगा जब कोर्ट को लगेगा कि पिटिशनर ने हमारे साथ फ्रॉड किया है ये मिसरेप्रेजेंटेशन एज टू मटीरियल फैक्ट एंड सर्कमशन ऑफ द केस और एज टू द नेचर ऑफ केस तो कोर्ट उसके पिटिशन को डिसमिस कर देगा लेकिन पॉइंट बी नोटेड को कोर्ट ने डिसमिस किया है इट शैल नॉट बी इंजूरियस टू एनी सबसिक्वेंट पिटिशन फाइल्ड बाय द पिटिशनर क्योंकि यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आपने एक साल पहले पूरा होने से पहले ही पिटिशन फाइल करी थी अब आपकी पिटिशन को डिसमिस कर दिया पर फिर भी आपके पास एक राइट right अवेलेबल है अंडर सेक्शन 14 की आप एक साल के बाद दोबारा से पिटिशन फाइल कर सकते हो बिकॉज जनरल रूल तो यही कहता है कि एक साल के बाद ही आप पिटिशन को फाइल कर सकते हो तो जनरल रूल के अकॉर्डिंग एक साल बाद आप दोबारा से पिटिशन फाइल कर सकते हो कोर्ट ने जो आपकी पहली पिटिशन को बिफोर द एक्सपायरी ऑफ वन ईयर सिंस द ऑफ मैरिज जो आपने पिटिशन फाइल करी थी कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया बट दैट शेल नॉट बी इंज्योरियस ये पॉइंट नोटिस करना कि दैट डिसमिसल ऑफ डिसमिसन

कोई इम्पैक्ट नहीं होगा कि आपकी प्रीवियस इसी सेम फैक्ट एंड पे प्रीवियस पिटिशन को डिसमिस किया गया था ऐसा कुछ भी नहीं होगा इट शैल दैट डिसमिसल ऑफ डिटीशन शैल नॉट बी बस टू एनी सब सिक्वेंट पिटीशन बाय बाई दिटिशनर ऑन द सेम फैक्ट एंड सर्कमस तो आई होप का आपको सेक्शन फोर्टीन क्लॉज वन क्लियर हो चुका है सिंपल सी बात है सेक्शन फोर्टीन क्लॉज वन दो ही चीजों की बात करते हैं एक जनरल रूल की बात करते हैं जिसको अब मैं इंग्लिश में डेरेक्ट लैंग्वेज में रिपीट करूंगी सिंस हिंदी में आएगा इस आपको समझ आ चुका होगा उसके बाद एक

उस टाइम पे नो कोर्ट शाल बी कॉम्पिटेंट इनफ टू एंटरटेन दैट पिटिशन तो सेक्शन 14 क्लॉज वन में लिखा जाता है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट इट मीन्स फर्क नहीं पड़ता इस एक्ट में कहां पे क्या लिखा है इन स्पाइट ऑफ एनी थिंग कंटेंट एनी वेर इन दिस एक्ट जो सेक्शन 14 में लिखा है वो प्रिवेल होगा और सेक्शन 14 में क्या लिखा है कि इट शेल नॉट बी कॉम्पिटेंट कोर्ट की जूरिस्डिक्शन नहीं है इट शेल नॉट बी कॉम्पिटेंट फॉर एनी कोर्ट टू एंटरटेन अ अटिशन जो कि शादी की एक साल पूरा होने से पहले फाइल की गई है दिस इज वॉट सेक्शन फोर्टीन क्लॉज वन सेज प्रोविजो में लिखा है कि यहां पे कोर्ट की मर्जी है प्रोविजो में आपको शैल नहीं मे वर्ड दिखेगा मे का मतलब है कि कोर्ट की मर्जी है ऑब्लिगेट्री नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरी है।, है अगर कोर्ट को लगता है तो वो क्या करेंगे out, तो आपकी डिग्री को पास करेगा इनरिस्पेक्टिव ऑफ द फैल की शादी को एक साल हुआ या नहीं हुआ ले जब कोर्ट इस डिग्री को पास करेगा यानी कि आपको लीव ग्रांट करेगा वहां पे कोर्ट है

मैरिज एक साल के बाद एज एन ओरिजिनल केस अगर ये होता तो उसी तरीके से इसका इफेक्ट होगा आई होप का सेक्शन फोर्टीन क्लॉज क्वाइट क्लियर टू यू सिंपल सी बात है क्शन 14 क्लास टू इससे भी ज्यादा ईजी है वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि जिस अगर ना सेक्शन फोर्टीन क्लास टू बोलते हैं कि जो हम हमने प्रोविजो रीड किया प्रोविजो में हमने क्या रीड किया वी अबाउट लीव लीव हमने ये देखा ना कि यहां पे इस petition में आपको ग्रांट कर दिया कोर्ट ने जनरल रूल के अगेंस्ट जाके इस तरीके से कर सकते हो इट मीन योर केस वन ऑफ एक्सेप्शनल हार्डशिप एक्सेप्शन केस बन चुका था आपका उस केस में अगर कोर्ट एक शादी के एक साल पहले इट मीन उस केस में डेफिनेटली कोर्ट क्या करेगा शादी से एक साल पहले ही आपको डिवोर्स दे देगा और आपके पिटिशन को आपकी जो पिटिशन है उसको एंटरटेन करेगा तो सबसे पहले तो ये लिखा है कि कोर्ट शैल डेफिनेटली हैव रिगार्ड्स टू द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ मैरिज इफ एनी अगर उस शादी से कोई भी बच्चा है या उस बेडलॉग से कोई भी बच्चा है तो उसके इंटरेस्ट को जरूर देखा जाएगा क्योंकि गाइज आफ्टर ऑल शादी अभी हुई नो you know, शादी को भी एक साल नहीं हुआ हैज नॉट बिन एक्सपायर्ड और वन ईयर हैज नॉट बिन एलैप्सेशन ऑफ मैरिज तो अगर कोई भी ऐसा बच्चा है यू you नो know, तो उसके इंटरेस्ट को देखा जाएगा यू नो इन कोर्ट शेल है इंटरेस्ट ऑफ दैट चाइल्ड इफ एनी फ्रॉम दैट मैरिज एंड मोर गाइज कोर्ट रिकॉन्सिलियन की कोशिश करेगा अगर कोर्ट को लगता है कि शायद से रिकॉन्सिलियशन पॉसिबल है सो बिफोर ग्रांटिंग और बिफोर ग्रांटिंग डिवोर्स इवन you बिफोर know, एक साल अभी हुआ नहीं लेकिन आपको डिवोर्स मिलेगा क्योंकि आपका स्पेशल केस मेड आउट है तो कोर्ट आपको definitely, you know, आपकी पिटिशन को आपकी एंटरटेन करके आपको डिवोर्स तो दे देगा लेकिन इफ देर इज एनी पॉसिबिलिटी एनी प्रॉबिलिटी एट रिकॉन्सिलियन कोर्ट डेफिनेटली आपको रिकनसाइल करने की भी कोशिश करेगा तो ओब्वियसली एवरी पॉसिबल अटेम्प एट रिकॉन्सिलियन मस्ट बी मेड एस टू यू नो द देंटिटी ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप क्योंकि वो चीज ना केवल पार्टीज के लिए अच्छी है उनके चिल्ड्रन और सोसाइटी एट लार्ज के लिए भी हमेशा अच्छी होती है कि मैरिज प्रिजर्व रहे इंटैक्ट रहे और प्रोटेक्टेड रहे तो अगर कोई पॉसिबल प्रॉबिबिलिटीज you know, होंगी तो मैरिज को रिकनसैल करने की कोशिश की जाएगी अदरवाइज शादी से एक साल पहले भी आपको डिवोर्स मिल जाएगा अगर आपका केस इज वन ऑफ एक्सेप्शन हार्डशिप टू द पटिशनर और एक्सेप्शन डिप्रेविटी ऑन दर्ट ऑफ द रिस्पॉन्डेंट इन दो वर्ड का मतलब आई होप इज क्वाइट क्लियर टू यू क्रवालिटी